ही हा हा यू के नॉट गेच मी फ्लिप हैज हा हा सॉरी हा हा यू केज स्पीड ऑफ लाइटनिंग स्पीड यहाँ पे एक होता है जो में पकड़े मार जाता है यहाँ मेरे पीछे चार हो गए खट्टे यार मैं इसके ऊपर चट जाता हूँ सारे भाग गए गाइस मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फिर मैं यहाँ पे निकलता हूँ यहाँ पे फ्लिप है तो मुझे पकड़ते हैं अब मैं जल्दी जल्दी करता रहता हूँ मैं स्किप कर देता हूँ यार एक घंटा हो गया मतलब मैं इस लेवल को पार के नहीं कर रहा यार गाइस हाँ चलो ओ यो हेलो फ्रेंड्स व्हाट आर यू डूइंग टुडे आज हम खेल रहे हैं वापस वो गेम जो आपको याद है स्क्रीन पे वो है ऊपर मैंने जिसका नाम है एस्केप द रनिंग हेड मुझे याद भी नहीं है उसका नाम क्या था एस्केप द फ्लिप हेड यार मैं तो भूल ही गया इतने दिनों में मैं सोच रहा था, था उसका नाम फ्लैप ऐसे होएगा मैंने फ्लिप हेड बोलता हूँ बस को एस्केप पॉपी रनिंग हेड नहीं ये नहीं मैंने मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने ओनली हेड रख दिया और यहाँ पर जस्ट आ गया एस्केप हेड तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और राइट गेम के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ हाँ ये गेम ये, तो ये तो मैं बहुत जल्दी फिनिश कर लूँगा ये तो मैंने आपको पिछले एपिसोड्स ऑफ दिखाए थे उसके अंदर देखो यहाँ से फ्लिप आता था पहले अब गाइज आज हम फ्लिप हैर के मजे लेंगे आओ मुझे पकड़ा दिखाओ <laughs> ओ यार हाँ हाँ फ्लिप हैर के मजे लेते हैं आज उस टाइम उस टाइम तो गाइज हम तो आपको फिनिश करके दिखाए थे इस टाइम हम फ्लिप हैड के मजे लेंगे और साथ साथ में फिनिश भी करेंगे बॉस लेवल तक तो चलो देखो फ्लिप हैड मेरे पीछे भी नहीं पड़े मैं दूर दूर रहता हूँ हाँ हाँ फ्लिप, है, हाँ। फ्लिप हैड्स मैं उनको हेड बोलूँगा आपसे मैं इनको मार्श मेनू बोलूँगा मार्श मेरा फेवरेट नाम है क्योंकि ये वाइट होते हैं तो मैं उनको मार्श मेलो बोलूंगा बाय मार्श मेलो <coughs> ओह यार ऑलरेडी एक आ गया था मार्श मेलो यार देखो मैं सेकंड स्टेज से स्टार्ट कर सकता हूँ मुझे नहीं करना जो जो पोर्टल्स येल्लो है ना तो मतलब उन्हें उनको रोब्लॉक्स देना पड़ेगा रोब्लॉक्स देना पड़ेगा तभी स्मार्टी गॉलू यार तीन और ज्वाइन होगा इस टाइम तो मैं केला था गेम के अंदर

ये जो हेड है ना ये जो हमें पकड़ते हैं उनका नाम मार्श मेलो रखूंगा क्योंकि वाइट होता है ना मार्श मेलो की तरह ओ भागो यहाँ से चलता हूँ मैं देखो ये हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे दौड़ रहे हैं अब देखो यहाँ पे एक फ्लिप हेड ऑलरेडी होता है जो हम तो इसलिए उसको पार कर लेते हैं क्योंकि तो वो दीवार पटक जाता है देखो ये जो दीवार पटक जाता है उनके ऊपर से उन्हें हम जीत गए ये जगह भी मैं लास्ट टाइम खोल गया था लास्ट टाइम जगह पे गया था आपको याद है ये रास्ता बेट आज अरे आ देखो मुझे पकड़ के दिखाओ ये लो ये लो यू कैन नॉट गैच मी द फ्लिप ये देखो मैं तो ऊपर आ गया तुमसे देखो पकड़ के दिखाओ नॉट ये तो ऑलरेडी पकड़ भी लेता है चेक पॉइंट प्लीज में भी अरे मैं तो फर्स्ट पे आ गया चलो गाइस अब उनको डॉज करके चलते हैं इस टाइम में इस पेस से चलता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये फ्लिप हैज मुझे पकड़ेंगे ओ ये डेड एंड पे आ गया मैं तो ये तो डेड एंड है डेड एंड एस्केप द हेड बस एस्केप द हेड मैं तो मार्श आइडिया मार्श बोल मार्श बोलता हूँ मैं मारिश मारिश मुझे पकड़ नहीं सकते मार्श मुझे पकड़ नहीं सकता मैं मार्च रखता हूँ उसका नाम मार्श मै नहीं ऊपर कौन है मैं तो अभी तो ऊपर कोई है लेवल के ऊपर अरे प्लीज दे पे आ चाहूँ ओ यार इस जगह से धान से रहना है यहाँ पर टू फ्लिप एड होते हैं जो हमें किल करने के लिए आते हैं यहाँ पे तो एक और आ जाता है हम ऐसे तो ईजिली गाव जाते हैं और सामने भी एक होता है जो हमें पकड़ता है ओ यार सिंगल है सिंगल है कुछ तो नहीं वाला था जब एक फ्लिप हेड होता है हे हे यू कैन नॉट कैच मी द फ्लिप हेड अरे यार मैं ज्यादा इसको भी शॉट नहीं लगा था क्योंकि पकड़ लेंगे ये सबसे हार्ड लेवल है क्योंकि मैं चेक पॉइंट ले लिया क्या ले लिया मैंने क्योंकि मुझे याद है मैं यहाँ पे आता हूँ ये मुझे पकड़ लेते हैं क्योंकि ये लेवल सबसे हार्ड है मुझे इनके हेड पे जब करना यार ये मैं बोल ये बहुत हार्ड लेवल है यार ये गाइस यार मैं तो और वो जीतने वाला था चलो इनके हेड के ऊपर ये ओ भैया मैं तो जीत गया यार इतनी लॉन्ग जंप लगा ली एहे बाय बाय फ्लिप हेड्स ओबे यार मैं तो आ गया जीना ना यार अरे अरे मजा आ गया यार

गाइस यार मैं तो जब हर साल चल रहा हूँ यार मेरी स्क्रीन टेढ़ी हो रही है वेट गाइस मैं इसको वापस करता हूँ मैं जाता हूँ वी सेट करेक्टर यार प्लीज यार मेरी स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए वॉक करो नहीं यार गाइस मैं तो लीव कर रहा हूँ वापस वापस रीजॉइन करता हूँ यार मैं तो गाइस मुझे तो री करना पड़ेगा लीव लीव गाइस मैं री करता हूँ एक बार वापस एस्केप और जहाँ पे मैं था अब इस कच्चीन को स्किप कर देता हूँ जहाँ पे मैं था मैं वहाँ पे आ जाता हूँ वापस ठीक है मैं इस कई मैं इस कच्चीन को स्किप कर देता हूँ ऑल राइट क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे फ्लिप है जो मुझे मारते रहेंगे इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ जहाँ पे मैं था मैं वहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ इस कच्चीन को मैं स्किप कर देता हूँ तो गाइस, तो मुझे क्या फिर यार इस ने मुझे मार दिया ऐसा करता हूँ मैं स्किप नहीं करता, मैं तो दोबारा करता रहता हूँ मैं स्किप नहीं कर रहा मैं तो करके रहूंगा मैं तो जाए फ्लिप हेड, मुझे तो सेकंड लेवल पे पहुंचना है ये लो, फ्लिप हेड, अब मुझे मार नहीं सकता

let's go स्पीड ऑफ लाइटनिंग स्पीड यहाँ पे एक होता है जो हमें पकड़ में आ जाता है यार मेरे पीछे चार हो गए खट्टे यार मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ सारे भाग गए ये टैलेंट भी आ गई है गर्ल देखो अब इसको मारना आ रहा है देखो अब मैं यहाँ पे था गाइस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जल्दी से अपना चेक पॉइंट ले लेता हूँ अरे हटो मिस्टर यार वो गाइस मैंने पिछले लेवल पे इसको गिराया था यार गाइस मैंने इसको पिछले लेवल पे गाइस हमने पिछला लेवल खेल रहे थे तो हमने एक बंदे को गिरा दिया था यार हैं ओ यार मैं तो ऑलमोस्ट जीत गया मैंने बैनर पॉइंट ले लिया कम से कम मैंने ए गाइस मैंने चेक पॉइंट ले लिया था यार मैं ये कैसे हो सकता है गाइस मैंने गाइस स्क्रीन मुझे कितनी दूर करनी है गाइस मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फिर मैं यहाँ पे निकलता हूँ यहाँ पे फ्लिप है जो मुझे पकड़ते अब मैं जल्दी जल्दी करता रहता हूँ स्किप कर देता हूँ यार एक घंटा हो गया मतलब मैं, तो मैं इस लेवल को पार के नहीं कर रहा यार गाइस हाँ चलो क्या यार, मुझे दूर अब मुझे बाउंड्री के पास रहूंगा मैं बाउंड्री वेट मैं बॉस लेवल के अंदर ऑलरेडी जा सकता हूँ सिंगल इन प्ले मैं बॉस लेवल पे जा रहा हूँ गाइस आप रेडी हो रन दो यार मैं बॉस लेवल पे नहीं जा रहा मैं सेकंड स्टेज पे जाऊँगा इसको फिनिश करके तो गाइस चलो मैं इस तरफ जाऊँगा इस तरफ हाँ चलो मैं यहाँ से चलता हूँ यहाँ पे चलता हूँ जहाँ पर जाऊँ पे जल्दी 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 भागो आई जल्दी जल्दी ये फिर फैन मुझे पकड़ नहीं सकता हाँ हाँ देखो यार ये पकड़ भी नहीं पाए इसलिए मैं बाउंड्री से निकलता हूँ क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम किसी ने किसी, न, किसी फ्लिप हेड ने मुझे पकड़ लिया था इसलिए इस टाइम मैं बाउंड्री से इस बाउंड्री के कॉर्नर से निकलता हूँ मैंने बोला था यार उस टाइम यहाँ भी एक फ्लिप हेड होता है जो हमें पकड़ने की कोशिश करता है बट हम इसको हरा सकते हैं तो गाइस मैं इसको चेक पॉइंट चेक पॉइंट के ऊपर दो तीन बार में एक मिनट के लिए मैं उसके ऊपर खड़े हो जाता हूँ क्योंकि उन्हें पता है मैं रीसेट हो जाऊंगा वहां पर उस पर जंप कर लेता हूँ उसके ऊपर हो गया मैं चेक पॉइंट मिल गया मुझे जंप 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 हाँ ऐसे हल्का सा पास कर देता स्क्रीन ये ना मेरा शाइनी कॉइन आर लिखा होता तो मजा आते मैट रहने दो हमारी ये री सेकेंड स्टेज सेकेंड स्टेज टू ऐसे यार जो सेकंड स्टेज है ना वो ज्यादा मज़े आते हैं सेकंड स्टेज के अंदर और जो सिक्स स्टेज होती है यार ओ यार ये सबसे हार्ड पार्ट होता है हाँ मुझे इस तरफ से निकलना है गाइज गाइज यार देखो ये मेरी किसी फ्लिप को देखा भी यहाँ में फ्लिप हेड था एक हर को यहाँ से निकलता है इस पाथ से यहाँ पे चलो फ्लिप हेड कहाँ पे है ओ यहाँ बहुत धीरे आ रहा है ये तो हम तो ऑलरेडी एस्केप भी कर रहे हैं इस फ्लिप हेड को देखो ये पार्ट सबसे हार्ड होता है हाँ ये ओ यार अब तो कौन सा पार्ट है ओ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यार मैंने तो पर बट मैंने चेक पॉइंट तो ले लिया था देखो यार मैंने बोला था मैंने चेक पॉइंट ले लिया था इसलिए मैं बार बार यहाँ पे आ गया अब मुझे इस तरफ चिपक जाना है वॉल से ओ यार ये चीटिंग है यार एरो भेज सकते वही तो हम डायरेक्शन डिर्क, दिखा रहे हैं वहाँ पर जाओ बट डेडली है ये फिसल पटरी है पहुँचा मुझे लगता है कुछ गी, इस एरो के ऊपर गीला है जिससे अब फिसल रहे हैं हाँ ये जीत गया आगे जाता था तुम ये मुझे आपको तो मुझे रास्ता बताने के लिए ज़रूरत भी नहीं है जो मेरे आगे हैं यार देखो गाइस मैंने आपको पिछले एपिसोड में यहाँ पे एक रास्ता दिखाया था जहाँ पे आप जा सकते हो कहाँ पे भाग क्यों गए सही तो रास्ता था हटो लिख लो उनको तो याद ही नहीं था इन बताने जो भी थे ये सेकंड ओ यार मैं तो स्टेज थ्री में आ गया पोर्टल यस जंपिंग और गाइस गाइस अरे यार मैं तो इस जगह पे आके फंस गया यहाँ मतलब मैं इस और कॉर्नर में आ जाता था तो सब फंस जाते आपस में यहाँ पर देखो स्... मैं सेकंड स्टेज पे था गाइस जो मैं स्टेज थ्री पे हूँ और जब मैं वापस स्टेज थ्री वाले पोर्टल में जाऊँगा तो वापस स्टेज थ्री में आ जाऊँगा देखो मैं वापस आ गया उसमें अब स्टेज थ्री के बाद कोई भी ऐसा स्टेज अनलॉक नहीं है हम उसके लिए वो देना पड़ेगा रोबलॉक्स बट मुझे याद भी नहीं है मेरे पास रोब्लॉक्स जीरो रोब्लॉक्स थे इसलिए देखना इस हेड को हरा सकता हूँ यार ये फिसल पटरी है ग्राउंड वाली बहुत हार्ड अरे यार गाइस मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी इस जगह को बताया था अभी यहाँ से निकल सकते हो मैं तो बहुत बताऊँगा ओ यार देखो मैं जस्ट इसके हेड के ऊपर हूँ ये मुझे लगता है हाँ हाँ फ्लिप हेड मुझे पकड़ के दिखाओ मुझे पकड़ के दिखाओ ये देखो तुम तो मुझे पकड़ भी नहीं सकते देखो फिर फैड मार्श मार्श नहीं सर मार्श में ही ही मुझे पकड़ ही नहीं सकता देखो ये तो क्या है पी 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 देखना ये डर जाएंगे देखना इन थ्री टू वन वेट पटरी। right, right, right. बस अब मैं इसके साइड से निकल सकता हूँ फिसलन ये कौन सी जगह है ये कौन सी जगह है यार ये कौन सी जगह है ओ तो वो जगह है जहां पे हम वापस मेन मेन जगह पे आ जाएंगे मेन मेन्यू पैर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है बट वो पकड़ नहीं सकता क्योंकि जगह ही नहीं है उन लोगों के लिए नहीं तो जगह होती नहीं तो वो पकड़ लेते हमें चेक पॉइंट है जो मुझे लेना है यार चेक पॉइंट बार बार जंप करना बंद करो यहाँ मैं इसके ऊपर चल जाता हूँ हाँ चल गया मैं मैं हारने वाला ऑलमोस्ट पर जीतने वाला था यहाँ मैं तो एक स्टेज में <coughs> गाइस मैं तो अब ऐसा करता हूँ जल्दी जल्दी करता रहता हूँ चाहे मुझे जो भी पकड़े मैं भागता रहता हूँ यार गाइस ओ ये बीच रास्ते में कोई जोक वोक नहीं करूँगा मैं ब्रूम ब्रूम पीप पीप तो कौन नीचे रह गया सोचा था तो भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा ओ पी पी ओ यो ये निकला जैसे कौन से पे आ रहा है

जिस जिसमें बताया मैंने आपको ये बताया था जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं और हमें लगता है किसी ने हमें एक मेज के अंदर डाल दिया है जिससे हम लाइफ में हैं और हम भाग रहे हैं और को दो दो तीन लोग अपना मुंह सैन से और चीज़ों से और दीवार से निकाल रखे वो गड़गड़ भागता रहता हमारे पीछे तो, ना -ना 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 ना तो और ऐसे भी होएगा मतलब कोई लक लक कोई रस्सी लगा के रखेगा तो बार बार हारने वाला हूँ यार मैं तो बॉस लेवल के अंदर जा रहा हूँ गाइस मैं यहाँ भी फिनिश कर पाया था गाइस इसके बाद मैं कर दूँगा पूरा बॉस लेवल तक तो गाइस अभी मुझे अपना होमवर्क करना पड़ेगा इसलिए आज मैं यहाँ तक कर रहा हूँ एंड इसको तो इस वीडियो को करना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐल स पाए और गाइस आप हमें कॉमेंट्स भेजना और बताना मैंने कैसे खेला कितना अच्छा करा और नए वीडियो में कैसे खेलूँ मैं कैसे जोक बनाऊँ क्या मैं फ़्लिप हैड को परेशान करूँगा इस और क्या मैं फ्लिप हैड को के ऊपर चढ़ूँ उसके हेड के ऊपर चढ़ूँ नहीं तो फ्लिप हेड को अनलॉक करूँ और उसके ऊपर बन के मैं सबको मारूँ और नहीं तो मैं बस बॉस लेवल तक ही जाऊँ बताओ क्या करूँ मैं तो गाइज़ आज के लिए इतना इस वीडियो को करना लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल सब पाए बटन मत भूलना और कीप हेल्दी एंड सेफ